हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा, वेयर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। मैं सेल्फ केशव बंसल, एंड आज हम इस वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट सेकंड है वीडियो का। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है। उसके अंदर दो चीज़ें होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और डीएनए मिथाइलेज क्यों प्रेजेंट होता है, इस चीज़ की बात करी थी। फिर हमने टाइप्स की बात करी थी, ठीक है, किस किस तरह से डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके। पार्ट टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री में उन्होंने कैटेगराइज किया था, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे विद एग्जांपल्स। इस तो अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में आइसोमेरिज्म हम देखेंगे इसके अंदर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर, एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स देखेंगे कि ये दो टाइप के एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो कौन कौन से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, कौन से साइट्स प्रोड्यूस करते हैं विद एग्जाम्पल्स, ये सब देखना है हमें, क्लियर। तो बात करते हैं टाइप्स की। टाइप तो हमने टाइप वन, टाइप टू, थ्री यहाँ से देखना है, ठीक है, आइसोमेरिज्म से बेसिकली। तो आइसोमेरिज्म में हम कह रहे हैं कि हमारे पास तीन टाइप के आइसोमेरिज्म में क्या कर रहे हैं बेटा, पेयर्स को कंसिडर कर रहे हैं एक बारी में, ठीक है, कि आइसोमर्स यानी दो एंजाइम्स ले रहे हैं जो डिफरेंट हैं बट कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर है, ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। तो हमारे पास आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स, आइसोकॉटोमर्स, ठीक है। आइसोसाइजोमर्स में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है, हर एक केस के अंदर एंजाइम तो हमारे पास डिफरेंट ही होगा, ठीक है, तब भी पेयर का मतलब बैठेगा। सेम यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन साइट सेम है, तो आप देख सकते हो रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे सेम है। आप देखो रिकॉग्निशन साइट के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये एंड्स में भी काम आएगी जो हम एंड्स देखेंगे आगे, कि आपको सिर्फ शुरुआत के थ्री लेटर्स याद रखने हैं, ठीक है, सी जी टी, ठीक, आपको सिर्फ सी जी टी याद रखना है कि हमारे पास एस पी एच वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है सी जी टी। अब सी सी जी टी से आप पूरी साइट कैसे बनाओगे, अब वापस से इन्वर्टेड पोजिशन लिखोगे सी जी टी, एंड फिर जैसे आपको कॉम्प्लीमेंटरी लिखना है, सी के का कॉम्प्लीमेंटरी जी, जी का सी, टी का ए, ऐसे यहाँ पे भी टी का ए, जी का कॉम्प्लीमेंटरी सी, सी का कॉम्प्लीमेंटरी जी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको शुरुआत के थ्री लेटर्स याद रखने हैं सीक्वेंस के, एंड रेस्ट आपको बन जाएगा, ठीक है। यही बी बी यू का है, ठीक है। तो सी जी टी कॉमन है यहाँ पे, बिकॉज हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट सेम है, ठीक है। बात आती है कटिंग साइट की, तो वो भी सेम है आइसोसाइजोमर्स के अंदर, ठीक है। दो कौन से एंजाइम लिए, एसपीएच और बीबी यू वन, ठीक। तो रिस्ट्रिक्शन साइट भी सेम है यहाँ पे, आपको दिख जाएगी। तो ये किस तरह के एंड प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे यहाँ पे ये रब नहीं हो रहा है, इस पे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगी ये, ठीक है। एक तो यहाँ पे कट लगाएगी, एक यहाँ पे कट लगाएगी, क्लियर। वेट अ मिनट, रिमूव नहीं हो रहा है। तो हम बात करते हैं नियोशेजोमर्स की। नियोशेजोमर्स में हमारे पास क्या है, हम बात करें डिफरेंट एंजाइम्स है, ठीक है, सेम रिकॉग्निशन साइट्स है, जबकि डिफरेंट कटिंग साइट्स हैं, क्लियर। वेट अ मिनट, तो नियोशाइजोमर्स में हमने बात करी कि डिफरेंट एंजाइम्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एस एम ए वन और जेड एम ए वन का पेयर, ठीक है, सेम रिकॉग्निशन साइट है, तो इसमें हमें यह क्या ध्यान रखना है, सी सी सी, ठीक है। इससे हम वापस बना सकते हैं सी सी सी, बस अब इनका हमें कॉम्प्लीमेंट्री रखना है, ठीक है। तो दोनों के हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स पूरी बन गई। अब मेन बात क्या है कि इनकी जो कटिंग साइट है, क्लीविंग साइट है, वो डिफरेंट है। आइसोसाइजोमर्स के अंदर वो सेम थी, यहाँ पर डिफरेंट है। तो एक तो हमारा एस एम ए वन है जो कि हमारे ब्लंट एंड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लंट्स यानी शार्प एंड्स, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। तो ये जो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो इस तरह के एंड्स क्रिएट करेंगे। स्टिक एंड्स कैसे होते हैं कि मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक, कंप्लीट कट, शार्प कट नहीं है, ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में है लेफ्ट से, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं है, स्टैगर्ड मैनर में इस तरीके से, ठीक है। तो जेड एम ए वन कुछ इस तरीके से कर रहा है, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप करोगे तो हो जाएगा। फिर हमारे आते हैं आइसोकॉटोमर्स। आइसोकॉटोमर्स में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, तो वो तो रहेंगी साउथ थ्री एंड बाम एच वन, ठीक, डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स हैं इस बार, हाँ जी। या फिर देखो यहाँ पे एन जी ए लिखा है, ठीक है, एन मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ठीक है, ए जी टी सी, ठीक, कोई भी हो सकता है इसके अंदर। और फिर आप सेम फंडा पर एम जी ए यहाँ पे रखोगे, एन जी यहाँ पे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री रख के पूरा सीक्वेंस बना लोगे। बाम एच वन केस में वो एन स्पेसिफिकली कौन सा है, ग्वानिन है, ठीक है। तो एन जी ए में बस यहाँ ध्यान रखना, एन जी ए में यहाँ पे ग्वानिन है, तो ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन, ठीक,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वापस से बना सकते हो। ठीक है, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। बस आपको फिर ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एंड्स यहाँ पे सेम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आपको लिविंग साइट ध्यान रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों के केस के अंदर हमारे कौन से एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टिक के एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एन और जी के बीच में आपका क्लीवेज होगा, बिल्कुल एंड साइड्स में, यहाँ पे और वहां पर भी। ठीक है, डिफरेंट कटिंग साइड्स हैं, प्रोड्यूस सेम एंड्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कौन से ब्लड एंड्स प्रोड्यूस करें, कौन से स्टिक एंड्स प्रोड्यूस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड एंड्स के अंदर और सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, तो बस ये शुरुआत का रखना, टी टी ए, टी टी टी, जी ए टी, जी जी जी। इसमें एस एम ए वन का हमने अभी देखा है। ठीक है, एस एम ए वन और जेड एम ए वन का पेयर था, तो सी 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 आप अपने आप बना सकते हो, जैसे मैंने बताया, सी सी सी, सी सी सी, जी जी जी, जी जी जी। तो ये जो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कट लगेगा रिसेप्शन साइट के लिए, तो उन्होंने यही सीक्वेंस इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो डी आर ए वन इको आर फाइव हे वन पी वी यू सेकेंड एस एम ए वन, सब पे यहाँ पे ये वन है। एस एस टी के एंस कौन से जनरेट करते हैं, बाम एच वन, इको आर वन। अगर आपको एग्जैक्ट ये भी नहीं याद हो रहे ना, तो कम से कम नाम जरूर याद रख लेना इनके, स्पेशली जो फेमस है। ठीक है, हिन थ्री, सॉल वन, पी एस टी वन। ठीक है, तो ये हमारे स्टिकेंट्स जनरेट करते हैं, वो हमारे ब्लड टेंट्स करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज हैं उन्हें शेयर करें, ताकि और हेल्प हो सके, एंड प्लीज डोनेट करें 10 रुपीज पर मंथ। इस सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर नॉलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।